ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही तुझे जलाना होगा। दिलजीज प्रतियोगी प्रतिभागियों, आप हमारे YouTube चैनल यूथ्स विजन मैथ्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन बटन भी दबा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं एवरेज का। हर पार्ट में से एक एक फेज, दो दो फेज फर्स्ट राउंड में निकालते चल रहे हैं, तो कुछ पार्ट औसत से भी शुरुआत करते हैं। एवरेज का पहला पार्ट, उसमें सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं औसत चाल, जो कि कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस का भी हिस्सा कहा जाता है और एवरेज का भी हिस्सा कहा जाता है। औसत चाल एवरेज चैप्टर, औसत चाल। औसत चाल कहते हैं कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। अब टोटल दूरी को भी लिख सकते हैं, या कुल तय दूरी के जगह आप इसका रेशियो भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह डिस्टेंस का रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। अब यह है क्या, इसका मतलब क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। औसत चाल कहे कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। जैसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है ए चाल से जाता है, बी चाल से लौट आता है, ट्रिक सजा होता है 2ab/a+b, फिर कहता है एक निश्चित दूरी ए चाल से जाता है, अगली दूरी बी चाल से, उतनी ही दूरी सी चाल से, तो ट्रिक सजा हुआ हो जा मिल जाता है आपको बारी बारी से, कि ऊपर हो गया 3abc, नीचे ab+bc+ca, तो सबको छोड़ने की कहानी कर रहे हैं मुख्य रूप से। जैसे कह दिया उसी को लिख देते हैं, 1 km/h की चाल से जाकर, 20 km/h की चाल से लौटने पर संपूर्ण यात्रा का औसत चाल निकालना है। कहे ए चाल से जाता है, जहां जाता है वहीं से फिर लौट के आता है, का मतलब है कि दोनों स्थिति का डिस्टेंस एक जैसा है। डिस्टेंस अगर लिखना चाहे रेशियो तो कह सकते 1:1 दूरी हुआ। अब औसत चाल कहे कुल तय दूरी, तो कुल दूरी कितना हो गया, तो एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो कुल दूरी तो 1, 1, 2। अब पहला एक दूरी ए चाल से, अगला एक दूरी बी चाल से भाग दे दिए। अब जरा इसी को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ए बी, यहाँ बी यहाँ ए, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ट्रिक बन जाता है 2ab/a+b। कह दिया क्वेश्चन, एक व्यक्ति दूरी को 3 बराबर भाग में बांटकर ABC km/h की चाल से तय करता है।
अब आपको बतलाना है औसत चाल के एवरेज स्पीड में कुल दूरी, तो तीन बराबर भाग में बांटा मतलब डिस्टेंस का रेशियो ले सकते थे, एक अनुपात एक, तीनों बराबर है। अब कुल तय दूरी, तो एक एक दो एक तीन हुआ, पहला एक दूरी ए चाल से, अगला एक दूरी बी चाल से, अगला एक दूरी सी चाल से, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल सबका एलसीएम ए बी सी, ए से भाग देंगे तो यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी, तो ए बी सी ऊपर चला जाता है तो 3ABC बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा किताबों में ट्रिक सजा हुआ होता है। जब आज के एग्जाम में इन करते हैं तो रटा हुआ भी है कि 2AB बटा ए प्लस बी दो वाला में होता है, तीन वाला में है कि 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA। एग्जाम देने गए तो कहता है एक निश्चित दूरी ए चाल से जाता है और उसका दो गुना दूरी बी चाल से जाता है, तब संपूर्ण यात्रा का औसत चाल पता चला, मेहनत करके रटे भी, एक जगह जाके बदल दिया, सारा किया हुआ मेहनत बेकार है। तो इसी वजह से कहते हैं कि बेहतर हो बस इसको ग्राउंड बना के रखिए, औसत चाल कहे कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। अब एक तो सीधा सीधा हो गया कि वही दूरी वही समय, तब तो 2AB बटा ए प्लस बी या 3ABC बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए काम करेगा, लेकिन जब बदलाव शुरू होता है और अभी के वनडे में लगभग 80% मान के चलिए कि बदल के ही क्वेश्चन डाल रहा है, तो हर जगह के लिए कॉमन फेज औसत चाल कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। अब कुछ एग्जाम्पल लेके बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जहां 2AB बटा ए प्लस बी नहीं काम कर रहा होता है, जैसे कह दिया ए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह उससे दो गुनी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अब कह दिया संपूर्ण यात्रा का औसत चाल बतलाना है, क्या होगा? अब एक निश्चित दूरी नहीं है, यहां जो दूरी तय किया अब कह रहा है उससे दो गुनी दूरी तय किया, तो यहां पर वो 2AB बटा ए प्लस बी आपका रखा रह जाता है, पूछने के लिए सब कुछ फ्री है। तो अभी कहे डिस्टेंस का जो रेशियो है, पहले एक दूरी तो आगे कहा दो गुनी दूरी तो दूरी हो गया दो, अब कहे एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल कुल तय दूरी तो 2, 1, 3, पहले एक दूरी तय किया 20 चाल से, आगे दो दूरी तय किया 30 चाल से, तो दूरी में चाल से भाग देते चले गए तो समय, सब समय जोड़ के लिख दिए कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। एलसीएम इसका 60, 20 से 3, 30 से 2 तो 4, 4, 3, 7, 60 ऊपर चला जाएगा तो 180 बटा 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। हो सकता है कि यही कहता दूरी को 2:3 में बांट के तय करता है, तो 2:3 में बांट के तय करता तो एक जगह 2 एक जगह 3 तो कुल तय दूरी 3, 2, 5। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स ही दूरी रहे, दूरी बदलता भी जा सकता है। तो बस इतना ही कि औसत चाल कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। 3 स्टेप तक का अक्सर वनडे में किताबों में ट्रिक सजा होता है, प्रीवियस क्वेश्चन जब देखिएगा तो कुछ यूं मिलेगा, एक हवाई जहाज वर्गाकार खेत के चारों ओर 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर
की चाल से चलता है। अब पूछ दिया संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा, तो कहे तीन तक का तो 3ABC बटा BC प्लस CA एग्जाम आया तो चार टुकड़ा उठा लिया, लेकिन कहा खेत कैसा है बर्गाकार, चार भुजा, बर्ग मतलब चारों भुजा बराबर, तो दूरी कहें तो पहला भुजा भी एक, तो दूसरा भी एक, तीसरा भी एक, चौथा भी एक, कुल तय दूरी हो गया चार बटा कुल लगा समय, तो अलग अलग पहला एक दूरी 200 चाल से, अगला एक दूरी 300 चाल से, अगला एक दूरी 400 चाल से और अगला एक दूरी 600 चाल से। एलसीएम ले लेते हैं हर का तो 1200, 200 से भाग तो 6, 3 से भाग तो 4, 4 से 3, 6 से 2, तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, ऊपर चला जाएगा एलसीएम 1200, नीचे 15, 15 से कटा 8 बार में तो 80, 80 गुना 4 तो 320, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल कहलाएगा 320 किलोमीटर पर आवर। प्रीवियस से ही कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं, कभी यही डेटा परसेंटेज में डिस्टेंस को बांट देता है, कह दिया ए अपने यात्रा का 20% भाग 40 किलोमीटर पर आवर से 30% भाग 60 किलोमीटर पर आवर से और शेष यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा का औसत चाल आपसे पूछ दिया, तो दूरी को अब परसेंटेज में बांट दिया, कहा 20% भाग एक जगह डिस्टेंस लेते तो 20% एक जगह, 30% एक जगह और शेष भाग तो 30, 20, 50 टोटल कहलाता है प्रतिशत में 100%, तो बच गया 50%। रेशियो लेते तो 2:3:5 हुआ, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय यही कहलाता है औसत चाल। तो अब एवरेज स्पीड लिखते हैं, तो कुल दूरी तो 10, पहला दो दूरी चला है 40 के चाल से, अगला 30% भाग 60 की चाल से, तो तीन दूरी है 60 की चाल से, और अगला अंतिम भाग 80 की चाल से, तो पांच भाग है 80 की चाल। सबका एलसीएम लेते तो 240 ऊपर कर देते हैं तो 10 × 240, नीचे 40 को 240 में 40 से भाग देंगे तो 6 × 2 हो गया 12, 240 में 60 से भाग देंगे तो 4 × 3 तो 12, 80 से भाग देंगे 3 × 5 = 3 = 15, कुल तय दूरी तो इधर 24 अब 15, 39, तो 2400 बटा 39 और कट रहा है 3 से तो काट दीजिए, फ्रैक्स पूर्णांक में हो पूर्णांक में किलोमीटर बराबर। ये हो गया इसका संपूर्ण यात्रा का औसत चाल। तो कभी दूरी को चार टुकड़ा बांट देगा, कभी दूरी को प्रतिशत में बांट दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो 2AB/A+B 3ABC/AB+BC+CA से ही पूरा का पूरा औसत चाल खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं एक फ्रैक्शन से भी उठा लेते हैं एग्जाम्पल प्रीवियस से ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन से भी। जैसे कह दिया ए अपने यात्रा को 3 भाग में बांटकर 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष भाग
40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। और फिर वही सवाल है, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। अब डिस्टेंस को परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन में लिख दिए, तीन पार्ट में बांटा, डिस्टेंस एक बटा तीन भाग एक जगह, एक बटा चार भाग एक जगह, अशेष भाग एक जगह। अब यहां पर रेशियो के लिए दो विकल्प होता है। एक ऑप्शन जो रेगुलर यूज होता है कि भिन्न में टोटल मतलब एक, तो एक बटा तीन एक बटा चार को जोड़ के एक में घटा लेंगे तब जो रिजल्ट बना, एलसीएम 12 होता, चार तीन सात होता, सात बटा बारह घटाते तो पांच बटा बारह। रेशियो सजाने में कहते हैं कि दो तीन चार टुकड़ा फ्रैक्शन का रेशियो हो तो जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर है, उसका एलसीएम, यहां तीन है यहां चार है, चार तीन का एलसीएम 12। अगर कहते हैं टोटल दूरी 12 है, इसको 12 पूरा करने के लिए किससे गुना करना पड़ता, चार से, तो अंश इसका हो जाता नॉमिनेटर 4। इसको 12 पूरा करने के लिए किससे, तो तीन से, तो अंश तीन से गुना होके हो जाता 3, तो 4 3 7 हुआ। टोटल 12 पूरा करना है तो तीसरा कितना बचेगा, तो 5, तो कुल दूरी हो गया आपका 4 3 5 में बटा हुआ। अब औसत चाल तो फिर वही कहानी, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय, तो औसत चाल एवरेज स्पीड कुल तय दूरी, तो कुल दूरी तो 4 3 7 5 12, पहला 4 दूरी को चला शुरुआती भाग 20 के चाल से, अगला भाग चला 30 के चाल से, तो दूरी 3 है इसको 30 के चाल से, अगला 5 भाग है इसको चला 40 की चाल से, तो 5 भाग है 40 के चाल से। अब काट के भी एलसीएम या सीधा भी एलसीएम ले सकते हैं कि 120 हो जाएगा, 120 ऊपर चला गया नीचे, इसको 120 पूरा करना है तो 6 से, 6 गुना 4 24 हुआ, 120 पूरा करना तो 4 से, तो 4 गुना 3 12 हुआ, 120 पूरा करना है तो 3 से, तो 5 गुना 3 15 हुआ, 24 12 36, 36 अब 15 51, तो 1440 बटा 51 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया संपूर्ण यात्रा का औसत चाल। तो एक फ्रेश टॉपिक अभी चर्चा कर लिए, इसमें इस टॉपिक को जगह कभी औसत में डाल दिया जाता है, चूंकि औसत चाल पूछ रहा है तो औसत में जगह डाल दिया, चूंकि चाल पूछ रहा होता है इसलिए समय दूरी में भी इसको डाला जा सकता है, तो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट हुआ औसत चाल। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का भी सीरीज चल रहा है और इसके ठीक बाद एवरेज का भी सीरीज चलाएंगे, तो उस बीच का एक पार्ट औसत चाल, इसका एक छोटा सा पार्ट बना दिए 10-12 मिनट का जो भी हो समय, तो उस फेज में इसको, इसका भी और इसका क्वेश्चन कलेक्शन आपको कभी किसी बुक में मिलेगा तो टाइम एंड डिस्टेंस में, और किसी बुक में एवरेज में कलेक्शन किया हुआ मिलता है, तो एक सेफ पार्ट ही बना दिए औसत चाल। अब यहां से क्रम आगे फिर टाइम एंड डिस्टेंस का दो टुकड़ा बचा हुआ उसको लेके बढ़ेंगे, फिर औसत को बारी बारी से, और धीरे धीरे करके कॉमर्शियल के हर सेक्शन को का पार्ट 2 पार्ट 3 रिलीज करके, उसके बाद कैट लेवल मेंस लेवल इस सब लेवल का एक एक पार्ट स्टैंडर्ड पार्ट के नाम से उसको रिलीज बारी बारी से करते चलेंगे। दिलजीज प्रतियोगी प्रतिभागियों, आप हमारे YouTube चैनल यूथ्स विजन मैथ्स को शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन बटन भी दबा सकते हैं।